Hi guys, welcome back. My name is C. S. Shantanu Mandari and welcome you all to my YouTube channel which is FCS Shantanu Mandari. आज मैं बहुत ही important topic के बारे में बात करने वाला हूँ. बहुत student मुझसे Facebook पे connect हैं तो वो ये कहते हैं कि सर आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ आप पढ़ाई पे ही focus नहीं करते, आप overall development पे भी बात करते हैं, जो कि I think मैं करता भी. उसी का एक example लेके आज मैं आपके सामने आया हूँ. इस video की heading जो है that is relationship and studies. तो इसके पहले मैं उसके बारे में कुछ बात करूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली आज के समय के लिए. मैं कुछ आपसे एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं जो अपनी स्क्रीन पे इस समय आप देख रहे हैं, फिर मैं आपसे उसके बारे में बात करूंगा. आज उस कमीने रेंचो के लिए इज्जत और भी बढ़ गई. हम सब तो कॉलेज सिर्फ डिग्री पाने के लिए जाते थे. डिग्री नहीं होगी तो नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, दुनिया रिस्पेक्ट नहीं देगी. जो सुनाना था इसमें आपको वो यही बात थी कि until unless you grow in your life, जिसको हिंदी में भी कहा गया, you'll not get anything. That's what यहाँ पे जो बात कर. बट मेरा ये मानना है, देखिए रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो कि ओवर द टाइम पीरियड इवेंचुअली जाने अनजाने में आई थिंक सभी के साथ कभी ना कभी ये सब चीजें होती हैं, विच इज ऑब्वियसली ट्रू आर ह्यूमन नेचर. इसमें कुछ गलत भी नहीं है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे अगर आपको लाइफ स्पेंड करनी है अपनी, और आप ऑब्वियसली अगर अपने मन मुताबिक चूज कर सके कि विद होम यू वॉन्टेड टू स्पेंड योर लाइफ, तो इससे अच्छा हो क्या सकता है. पर स्पेशली तब जब आप तब स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी बन चुके हैं लाइक यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और वॉट एवर, तो ठीक है, फिर यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. बट अगर आप ये स्टूडेंट हैं तो मेरी बात ध्यान से आप सुनिए. आप जिस भी स्टेज पे हैं, प्रोफेशनल पे, एग्जीक्यूटिव में, व्हाटएवर फाउंडेशन पे, जहाँ पे भी आप हैं, मेरे हिसाब से जो आपका फोकस इस समय होना चाहिए वो होनी चाहिए पढ़ाई. बिकॉज यहाँ पे जितने भी चीज़ों का ना मैंने नाम लिया, चाहे सी ए, चाहे सी एस, चाहे सी एम ए, 6-6 महीने में अटैम्प्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट होते हैं. एक बार यहाँ पे आपने अटैम्प्ट क्लियर कर लिया एंड योर पार्टनर एज वेल, और मे बी सो कॉल्ड जिसको आप लाइक करते हैं वाइस वर्सा, तो आई थिंक फिर आगे कोई दिक्कत आने नहीं वाली. बिकॉज अगर अभी आपने फोकस लूज कर दिया और आप उन चीज़ों में लग गए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी से बात मत करिए या कोई रिलेशनशिप मत बनाइए. रिलेशनशिप इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन हैव. इससे अच्छा हो क्या सकता है अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो सच में आपकी केयर करे, सच में एक्चुअली ही और शी फॉल्स इन लव विद यू. ये जब बात आप सुन रहे हैं आपको लग रहा होगा ये कोई टीचर नहीं कह रहा है, ये तो कोई मेरा फ्रेंड बात कर रहा है. सो मुझे एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कहूँगा नॉट ए टीचर, आई एम अ टीचर, सी एस प्रोफेशनल ही मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ एट दिस स्टेज. बट साइड बाई साइड मैं एक मैंटेलिटी को लेके भी बात करता हूँ, जो कि सबसे बड़ा एक रीज़न होता है सी एस में, सी ए में, इन सब चीज़ों में. अगर आपको उस इंसान का सपोर्ट मिल जाए या आप जिसका सपोर्ट डिजर्व चाहते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं, तो चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाती है मेरे हिसाब से. तो मेरा यही कहना है कि इस समय आपका जो फोकस है वो आपकी स्टडीज़ पे होना चाहिए. उसके बाद एक बार ये क्लियर हो जाए चीज़ें, फिर तो आपके पास देखिए पूरी लाइफ टाइम पड़ी है, फिर आई थिंक सब चीज़ें आपको अपने आप ही धीरे धीरे मिलती चली जाएंगी. मैं बार बार ये चीज़ क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि किसी रिलेशनशिप में है तो ठीक है छोड़ दिया कि मैं आज से पढ़ाई करूंगा, ऑल्दो मेरे कहने से कौन मानने वाला है. बट मैं एक बात जनरली आपसे कह रहा हूँ कि उसको मेंटेन करिए, बट एक एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए अपने आप ही और समझा दीजिए अपने पार्टनर को कि देखिए मेरा इस समय फोकस जो है वो पढ़ाई है. एक बार ये पूरी हो जाए, क्योंकि ये कोई 15-20 साल का कोर्स तो नहीं है, चार पाँच साल का है जैसे जैसे आप देते हैं, एक बार ये हो जाए, और ऑब्वियसली आप फाउंडेशन में नहीं है उससे ज़्यादा है तो और कम समय लगने वाला है. एक बार ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर जिसके साथ आपको सेटल होना है आप हो सकते हैं. और यहाँ पे अगर आपने फोकस लूज किया तो चांसेस है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही होगा, भगवान करे ऐसा ना हो, बट चांसेस देयर आर चांसेस कि जो हमारा करियर है मे बी वो सही बात में आगे प्रोग्रेस ना करे. तो इस समय फोकस आपकी स्टडीज हो, उसके बाद इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं. जो आपने सुना भी कि आई थिंक सोसाइटी में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ चीज़ आज मैटर करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए वो है, बट सोसाइटी में जनरली जो एक आउटलुक है दैट इज सक्सेस, एंड सक्सेस जनरली कम्स विद नॉलेज. मैं डिग्री की तो बात ही नहीं कर रहा, यही यहाँ पे भी कहा गया डिग्री की बात नहीं, नॉलेज की बात. नॉलेज आएगी पढ़ाई करने से, फोकस से. तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो रिलेशनशिप आपका और स्ट्रांग होगा, एंड डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक दूसरे की सुननी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप को सस्टेन करना. सो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी. टीचर के मुंह से बात सुनना थोड़ा अलग है, बट आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन जो अपने स्टूडेंट को स्टूडेंट कम मानता है, फ्रेंड ज़्यादा मानता है, थोड़ी बहुत बात भी करता है जैसे कि अभी कर रहा है, जनरली सारी बात बताई थी आपको. तो मेरा ये मानना है अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका एक रिलेशनशिप भी अच्छा चलेगा, पढ़ाई भी अच्छी चलेगी, लाइफ में बैलेंस जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन हो पाएगा. तो थैंक यू सो मच एंड आई होप यू हैव लाइक द वीडियो. अगर हाँ तो जरूर लाइक बटन प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू.